ओके okay, तो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर टू चैप्टर नंबर फाइव हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं अब हम करेंगे मार्क यूनिट नंबर एट यूनिट नंबर एट है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ओके तो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अब पहला क्वेश्चन जो है ये मैं आपको बुक से इंडिकेट करवा देता हूँ पहला क्वेश्चन आप लोग exercise, 3, 8.3 एक्सरसाइज पेज नंबर थ्री एटी पे क्वेश्चन नंबर फोर एक्स एस सो स्मॉल डेट इट्स इट स्क्ट हायर पावर्स कैन बी निगलेक्टेड शो डेट इसका पार्ट बनता है आपके पास क्वेश्चन फाइव फाइव तो आपने पार्ट मार्क कर लेना है जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो एट पॉइंट थ्री का एट पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट फाइव है क्वेश्चन नंबर टू है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीरीज एंड फाइंड इट सम तो ये आपके पास वन माइनस वन ओवर टू वन ओवर टू ये दिव्य सीरीज आपने इसका सम कैलकुलेट करके बताना है ये आपको ये भी आपको क्वेश्चन एट पॉइंट थ्री में मिल जाएगा एट पॉइंट थ्री के लास्ट क्वेश्चन में ये पार्ट टू बनता है क्वेश्चन नंबर नाइन का आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सीरीज एक्सपेंशन फाइंड द सम नंबर थ्री है इफ वाई टू दिस प्रूव डेट वाई स्क्वेयर प्लस टू वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो भी आपको एट पॉइंट थ्री में क्वेश्चन नंबर इलेवन मिल जाएगा ये क्वेश्चन इलेवन एट पॉइंट थ्री में ओके okay जी फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन ईच इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड दिसको एट पॉइंट टू में मिल जाएगा देन आपके पास यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू शो दैट दिस इक्वल्स टू दिस फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीचर्स ये आपके पास एट पॉइंट वन से है क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपके पास इफ टू वाइक्स टू वन ओवर स्क्वायर प्लस वन डॉट थ्री ओवर टू फैक्टोरियल Uh, आपने प्रूफ करना है वाई स्केर माइनस फोर प्लस फोर वाई माइनस वन इक्वल माइनस वन इक्वल जीरो अगर मैं आपको बताऊं तो आपने क्वेश्चन नंबर नाइन से लेकर क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तक ई थर्टीन तक ईच एंड एवरी पार्ट प्रैक्टिस करके जाना है ओके okay, आगे चलते हैं शो द मिडल टर्म ऑफ द सीक्वेंस वन प्लस एक्स की पावर टू एन इज दिस ये आपके पास एट पॉइंट टू में है क्वेश्चन नंबर एट एक्सपैंड फोर प्लस टू एक्स की पावर वन बाई टू माइनस टू एक्स अप टू फोर टर्म्स नाइन्थ है फाइन द टर्म इन्वॉल्विंग वाइप क्यूब इन द एक्सपेंशन अच्छा इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स भी होंगी आप लोगों ने चेक कर लेनी है टेंथ है इफ एक्स एज सो स्मॉल डेट इट्स स्क्वेयर एंड हायर पावर कैन बी निगलेक्टेड ये उसी में से है एट पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर फोर का कोई पार्ट है ये तो क्वेश्चन नंबर फोर आपने लाजमी करना है एट पॉइंट थ्री में से उसके बाद क्वेश्चन नंबर इलेवन है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ये पॉइंट टू में से आपके पास ट्वेल्व है कॉप्शन एन इन द एक्सपेंशन ऑफ वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्टीन है यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव डेट वन स्क्वेयर थ्री स्क्र फाइव स्क्र ये है इफ वाई इज इक्वल टू देन प्रूव डेट ये आपके पास आई थिंक क्वेश्चन नंबर थ्री का थर्टीन है 15 है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इसमें 8.2 में से क्वेश्चन आ रहा है टर्म वाला क्वेश्चन आपने 8.2 में से मोस्ट इंपोर्टेंट है 16 है फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स अगेन सेम रिपीट हो रहा है लेकिन आपने कोई डिफरेंट क्वेश्चन कर लेना मैं आपको पार्ट्स बता देता हूं जैसे आपके पास ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास ये आया हुआ है तो आप अगर ये बार बार आ रहा है आठवां तो आप कोई और प्रैक्टिस कर लें जैसे सेकेंड पार्ट प्रैक्टिस कर लें ताकि डिफरेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस हो आपका ओके okay, सेवनटीन है डिटरमाइन द मिडिल टर्म मिडिल टर्म से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है जी ये रहा मिडिल टर्म मिडिल टर्म का फर्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी टेन का फर्स्ट पार्ट एटीनथ एंड यूज बायनोमियल थ्योरम बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड तो लाजमी सवाल आ रहा है और लास्ट है व्हाट इज़ द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन इसकी जनरल टर्म निकालनी है ये एग्जाम्पल में से है तो आपने इस चैप्टर की एग्जाम्पल्स भी देख लेनी है स्टूडेंट्स और ये दोनों मैंने मार्क नहीं उधर लिखे हुए नहीं है लेकिन आपने थर्टीन फोर्टीन क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं सेक्स चैप्टर के